जमाना बदल गया है, जिंदगी बदल गई है। हमारी उम्र के लोग याद करें कैसे बेकार के रिश्तों और बंधनों में उलझे रहते थे हम लोग। बाप के चेहरे में ईश्वर देखते थे हम, मां के चरणों में स्वर्ग दिखाई देता था। लेकिन अब लोग समझदार हो गए। आज की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है। उनके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की तरह है जिस पर पांव रख करके वो आगे निकल जाते हैं, और जब उस सीढ़ी का कोई इस्तेमाल नहीं रहता है तो उसे घर के टूटे कुर्सी मेज, टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े कल के अखबार की तरह रत्ती समझकर किसी कबाड़खाने में फेंक देते हैं। लेकिन जिंदगी सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती, जिंदगी पेड़ की तरह उगती है। मां बाप किसी सीढ़ी के पहले पायदान नहीं होते, मां बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ है। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। इसलिए आज बड़ी विनम्रता और आदर से मैं पूछता हूं, कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं? एक बाप अगर अपने बेटे की जिंदगी का पहला कदम उठाने में उसकी मदद कर सकता है तो वही बेटा अपने बाप के आखिरी कदम उठाने में उसे सहारा क्यों नहीं दे सकता? जिंदगी भर अपने बच्चों पर खुशियां लुटाने वाले मां बाप को किस जुर्म में आंसुओं और तनाई की सजा सुना दी जाती है? अगर वो हमें प्यार दे नहीं सकते तो उन्हें हमसे हमारा प्यार छीनने का अधिकार किसने दिया? क्या समझते हैं ये बच्चे कि जिन मां बाप को प्यार के बंधन में बांधकर भगवान ने एक किया है उन्हें वो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग तड़पने के लिए छोड़ सकते हैं? क्या इसी दिन के लिए इंसान औलाद मांगता है? इसी दिन के लिए औलाद शायद ये भूल रही है कि जो हमारा आज है वो कल उनका होगा। अगर आज हम बूढ़े हैं तो कल वो भी बूढ़े होंगे। जो सवाल आज हम कर रहे हैं वही सवाल कल वो पूछेंगे।